सोलन में आखिरकार काफी अटकलों के बाद जिला परिषद पर भाजपा ने कब्जा कर ही लिया, जिसमें भाजपा और आजाद उम्मीदवारों का साथ लेकर भाजपा ने 9 की बजाय 14 का आंकड़ा छू लिया है। जिला परिषद चेयरमैन की सीट पर दून के रमेश ठाकुर और उपाध्यक्ष के पद पर कमलेश कुमारी को सर्वसम्मति से चुना गया है। जीतने के बाद स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल और भाजपा के महामंत्री त्रिलोक जम्बाल ने सोलन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर दून के विधायक परमजीत सिंह पम्मी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। राजीव सैजल ने इस मौके पर सभी को बधाई दी और कांग्रेस की इस हार को शर्मनाक बताया और कहा कि विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस का यही हाल होने वाला है। प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने इस मौके पर कहा कि भाजपा ने 14 जिला परिषद सदस्य समेत जिला परिषद सोलन पर कब्जा कर लिया है। कांग्रेस के लिए शर्म की बात यह है कि वे चेयरमैन और उपाध्यक्ष के लिए नामांकन भी नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जिला सोलन में जिला परिषद बीडीसी और नगर परिषद में कांग्रेस को करारी हार मिली है, उसी तरह आने वाले विधानसभा में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा को जिला परिषद बीडीसी और पंचायत चुनावों में जीत केवल प्रदेश में चल रही जयराम सरकार की जादुई नीतियों की वजह से मिली है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपनी जीत का बिगुल बजाकर कांग्रेस को पूरी तरह से धाराशाही कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जिला सोलन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी विजय है। पिछली बार कांग्रेस ने जो है इस जिला परिषद पर कब्जा किया था और इस बार कांग्रेस को संपूर्ण रूप से कांग्रेस का सफाया करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम जो है जिला परिषद सोलन पर जो है लहरा दिया है। रमेश ठाकुर जी अध्यक्ष बने हैं, कमलेश जी उपाध्यक्ष बनी हैं और आज 14 सदस्य जो हैं जिला परिषद के यहां पर हमारे साथ जो हैं उपस्थित हैं, जिनके सबके सहयोग से ये जिला परिषद बनी है। मैं सम्मानीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी को, क्योंकि उनकी नीतियों का जादू है, उनकी नीतियों का असर है कि संपूर्ण जिला के अंदर इतना बड़ा समर्थन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को पंचायत स्तर पर, बीडीसी स्तर पर और जिला परिषद स्तर पर मिला है। मैं ठाकुर जयराम जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अपनी पार्टी को, जिला परिषद हमारे जिला सोलन के जितने भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और अब संपूर्ण अपने जिला के सभी लोगों को, हम अपने सभी वोटर्स का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और उनको ये विश्वास देना चाहता हूँ कि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारी ये जिला परिषद हमारे संपूर्ण इस जिला के जन जन के साथ जो है उनके सुख और दुख में उनके साथ खड़ी है। कांग्रेस की दुर्दशा को लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस का सफाया हो गया है, नॉमिनेशन भी नहीं कर पाए हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जो है वो कांग्रेस के लिए क्या होगी। और ये इशारा जो है 2022 के लिए भी है। 2022 का चुनाव जो है वो बहुत निकट है और मैं बहुत दावे के साथ मैं ये आज यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि पुनः एक बार फिर 2022 में ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो बनेगी।